हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वर्तिका गोयल अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, इन सबसे रिलेटेड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर पोर्शन के आने वाले हैं, उन सब के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम कंसेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे ताकि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसे सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। इट इज़ टू हॉट डैश गो आउट। तो यहाँ पे आप लोग क्या फिल करेंगे? यहाँ पे चार आएंगे बट मैंने आपको थ्री ऑप्शन ही प्रोवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे मेरा मोटिव है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करना। तो इसके अंदर आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा, टू आएगा। इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। तो यहाँ पे मेरी सिंपलेस्ट ट्रिक यही है कि जहाँ पर आप टी डबल ओ टू देखें तो उसके साथ आप टू लगाएं, राइट। इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सो आता है उसके बाद दैट लगाते हैं। इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको सो के बाद दैट बताया है और टू के बाद टू बताया है। ये सिंपल ट्रिक है, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं। आई हैव डैश डजन एप्पल्स। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए द, ऑप्शन नंबर बी एन एंड ऑप्शन नंबर सी ए। तो आप अच्छे से पढ़ें इस क्वेश्चन को और फिर उसका रिप्लाई करें और फिर उसके बाद मैच करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं और कितने क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ डजन्स की, तो यहाँ पर डजन में नंबर आ गया, 12 होते हैं डजन का मीन। तो जहाँ पर ऐसे नंबर आते हैं वहाँ पर हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं आर्टिकल वो ए यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो ए हो जाएगा। आई हैव ए डजन ऑफ एप्पल्स, राइट। तो इसके अलावा डजन के अलावा अगर आपके पास कोई भी नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि 100 आ जाता है, 1000 आ जाता है, मिलियन आ जाता है, बेसिकली जो काउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप ए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ 100 पेन्स। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट क्या करते हैं, द लगा देते हैं या ए लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल आप देखेंगे कि काउंटेबल नाउन जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर ए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं। डैश बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर। वो लड़का जो गेट के पास खड़ा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए दैट, ऑप्शन नंबर बी द एंड सी ए। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अभी रिलीज़ करी थी, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जिसको हम पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट के लिए हम द यूज़ करते हैं। द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। सो द बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन की बात की जाती है, स्पेसिफिक नाउन की बात की जाती है जिसके बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉय की बात हो रही है जिस जो गेट के पास खड़ा है, इसी तरह से द बॉय विच वियर वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। जो उस बॉय जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन के बारे में जब आप बात करेंगे वहाँ पे आप दा लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता भी है। सो होप यहाँ से आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं। ही इज़ डैश राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर बी द आएगा, कौन सा आर्टिकल इस वाले सेंटेंस को सूट करता है, या ऑप्शन नंबर सी एन आएगा। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, पॉज करके वीडियो, और उसके बाद आंसर आप इसका मैच करते रहिए और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी द। तो जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं। ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, या जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं जयपुर को रोम से, राइट। इसी तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं किसी पर्सन को राम से। तो जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं वहां पे हम द यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव पर चलते हैं। डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कैसी नॉलेज? कम नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज, किस टाइप की जो नॉलेज होती है वो डेंजरस होती है। तो इसमें ऑप्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा, या द लिटिल आएगा। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अ लिटिल। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो बेसिकली इन तीनों में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो इन तीनों में जो डिफरेंस होता है, अ लिटिल की अगर मैं बात करूँ, सम बट नॉट मच। जैसे यहाँ पे है कुछ नॉलेज एक पर्सन के पास है बट कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अ लिटिल आएगा। लिटिल वहां पर आता है जहां बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, हार्डली एनीथिंग, और द लिटिल वहां पर आता है कि जितना चाहिए उतना नहीं है।
राइट, तो इसलिए जो मोस्ट स्पेसिफिक ऑप्शन है इसके अंदर अ लिटिल आ जाएगा. इट मीन्स अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग. कुछ नॉलेज बंदे के पास है बट वो इतनी प्रॉपर नहीं है, कम नॉलेज है, इसलिए जो थोड़ी सी नॉलेज होती है किसी के पास वो डेंजरस होती है. इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा. कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए. एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं. आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर. तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि क्या आएगा अगर आपको कंसेप्ट जो है समझ में आ रहा है कि मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकती क्योंकि मिल्क जो है रेफ्रिजरेटर में लिटिल है, अ लिटिल है या द लिटिल है. तो जैसे मैंने आपको बताया था लिटिल मतलब होता है हार्डली एनी, मतलब इतना नहीं है जितने के लिए टी जितना टी को चाहिए बनने के लिए. राइट, तो लिटिल आएगा इसके अंदर बिकॉज मिल्क की जो क्वांटिटी है वो नेग्लिजिबल है. द लिटिल में क्या होता है कि मिल्क की क्वांटिटी कुछ है बट इतनी नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, बट लिटिल में आएगा नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, इतनी भी नहीं है कि उसमें से चाय जो है बन पाए. सो होप यहाँ से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं. इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जो लिटिल होता है लिटिल हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के साथ. जैसे नॉलेज हो गई वो अनकाउंटेबल है, इसी तरह से वाटर अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है. तो इन सब अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं उसके साथ हम लिटिल वाला यूज़ करते हैं. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब चीज़ें हम अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं. तो इस तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप आंसर तक पहुंच सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं. डैश वाटर आई कैप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है जो वाटर है वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे फ्यू तो आएगा ही नहीं. इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि फ्यू इसके अंदर नहीं आएगा. लिटिल और द लिटिल में से जो ऑप्शन है इसका बी वो करेक्ट हो जाएगा. द लिटिल आएगा इसके अंदर. द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो द लिटिल होता है उसका मतलब होता है नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल, पूरा नहीं है बट इतना है जितना है आपके सामने. तो इट मीन्स क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी थी वाटर की जो रखी हुई है और वो भी खत्म हो गई है. राइट, तो होप सारा जो चीजें हैं, अगर कोई क्वेरी यहां से रह जाती है, कोई क्वेश्चन अगर आपको यहां पे समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे आपको बस ध्यान में ये रखना है लिटिल और फ्यू इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं और फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज करते हैं. राइट, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं. इट इज डैश एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय इट. तो यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन जो है आपके सामने है, सारे ऑप्शंस को आप अच्छे से देखें और उसके बाद उसका आंसर जो है इस वीडियो के आंसर से मैच करें और बताएं मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हैं और कितने गलत हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 2 आएगा. यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि 2 जहाँ पर आएगा वहाँ पे टी डबल ओ आएगा. तो ये लिंक होता है, इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय इट. राइट, शी इज़ टू वीक टू टॉक, जहाँ पे टी डबल ओ आएगा वहाँ पे 2 आएगा और सो के साथ हम लोग दैट लगाएंगे. इट इज़ सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाय इट. तो बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत ईजिली आप इसको लर्न कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. क्वेश्चन 9 पर चलते हैं. डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट फॉर डैश डेज. तो इसमें फ्यू के उसमें ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं. तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि डेज जो है वो काउंटेबल है, हम उसे काउंट कर सकते हैं, 1 day, 2 day, 3 day. तो इसलिए इसमें लिटिल वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कट ही जाएगा. मैंने आपको बताया था जो फ्यू होता है वो काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं और जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो इसका हट जाएगा. ए फ्यू और फ्यू, इन दोनों ऑप्शन में से अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है. राइट, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज आएगा इसके अंदर, अ फ्यू डेज अ आएगा. तो यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ अ फ्यू उसमें यूज़ करते हैं जिसमें कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने हमें बोला है रेस्ट करने के लिए. बिल्कुल सेम है वही कंसेप्ट लिटिल वाला, अ फ्यू सम बट नॉट मैनी. फ्यू मीन्स हार्डली एनी और द फ्यू वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे नॉट मैनी बट ऑल दैट इज अवेलेबल. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट सम डेज के लिए. तो अ फ्यू ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसमें ऑप्शन हो जाएगा, सम बट नॉट मैनी, कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया है रेस्ट लेने के लिए. फ्यू वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देता है, हार्डली एनी आ जाएगा. सो कंसेप्ट अगर अच्छे लग रहे हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 10 पर चलते हैं. ही इज चीटेड नॉट ओनली इज फ्रेंड डैश हिज पेरेंट्स. उसने
अपने फ्रेंड्स को ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स को भी चीट किया, राइट? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए एज वेल एज, ऑप्शन नंबर बी ऑल्सो, ऑप्शन नंबर सी बट ऑल्सो। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे पहले आप लोग प्लीज़ सोचिए कि इसका क्या है, और आपका अगर आंसर सही होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे आ जाएगा, बेसिकली सारे ऑप्शन ही सही लग रहे हैं, बट यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन है बट ऑल्सो, राइट? ही इज़ नॉट ओनली चीटेड हिज फ्रेंड बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ पे ट्रिक ये है कि जहाँ पर नॉट ओनली आएगा वहाँ पे बट ऑल्सो लगाएंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन है वो चेंज होकर भी आ सकता है, बट ऑल्सो अगर आपके सामने आएगा तो नॉट ओनली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नॉट ओनली की बात बट ऑल्सो यूज़ किया जाता है। इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। तो क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आगे आने वाली ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा बहुत अच्छी वीडियोज़ मैंने आर्टिकल पर बनाई हुई हैं, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट करें, इसके साथ साथ मैंने आपको फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है एज इट इज़ नहीं आते, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर कर सकते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। करेक्ट दी स्टेटमेंट रिया सैंग सॉन्ग, ये एक स्टेटमेंट है आपके सामने, इसको आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो हैं वो सारी स्टेटमेंट वाले ऑप्शन है, तो आपको सारी ऑप्शन जो है पढ़ने हैं और उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रिया सैंग अ सॉन्ग, राइट? एक सॉन्ग रिया ने गाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल्स है, अगर आपने मेरी आर्टिकल्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था जो आर्टिकल होते हैं ए या एन, उसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। तो सॉन्ग जो है वो काउंटेबल है, इसलिए ए हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज़ एन अम्ब्रेला, आई हैव अ पेन, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि वोवल साउंड जहाँ पर आ रही है वहाँ एन लगाएंगे, जहाँ नहीं आ रही है वहाँ ए लगाएंगे। तो क्वेश्चन 12 पर चलते हैं इसके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज यूज विद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बहुत सारे आपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस देखे होंगे और इस टाइप से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल वहां पे हम यूज करते हैं, ए एन यूज करते हैं, द यूज करते हैं या सारे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ए और एन, राइट? ये दोनों आर्टिकल है जो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ प्रिटी गर्ल या व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसमें हम ए या फिर एन यूज़ करते हैं, एन वोवल साउंड के साथ यूज़ करते हैं और ए विदाउट वोवल साउंड के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मैं आपसे ये कहूँगी, क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आता, आप लोग अपने कंसेप्ट पर वर्क कीजिए, क्योंकि एक बार कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो है आप वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। इस वाले सेंटेंस में आपको मिस्टेक बतानी है, She has been here since 10 years. तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है पॉज करके, उसके बाद ही आप उसका आंसर मैच करें। तो यहाँ पे जो है अगर मैं मिस्टेक की बात करती हूँ तो हम यहाँ पे सिंस की जगह फोर यूज़ करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट आपको समझना, सिंस और फोर का। सिंस वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, राइट? और फोर वहाँ यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है 10 ईयर्स, तो यहाँ पे फोर यूज़ करेंगे। अगर 2006 की बात करते हैं या 2004 की बात करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन सब की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर टाइम को डिनोट कर रहा है। तो जहाँ पर इस तरह से टाइम को डिनोट किया जाता है वहाँ पे सिंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे होता है शी हैज़ बीन हेयर सिंस 2006, तो ये जो स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल सही हो जाती। तो होप यहाँ से सिंस और फोर का कंसेप्ट क्लियर हो गया है आपको, इस पर क्वेश्चन जो है आते हैं। क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। फिल दी करेक्ट प्रपोजिशन, इसमें आपको प्रपोजिशन जो है वो फिल करनी है। द बुक इज डैश द टेबल, राइट? तो ऑप्शन ए ओवर, ऑप्शन बी अपॉन, ऑप्शन सी ऑन। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसका आंसर पता होता है, बट जब सामने ऑप्शंस आते हैं तब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस ही जो है वो सही लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप इसको सॉल्व करें। जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो फिजिकल कॉन्टेक्ट है, बुक और टेबल दोनों आपस में टच हो रही हैं। तो जहाँ पे ये फिजिकल कॉन्टेक्ट आ जाता है वहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्ट आ जाता है, जहाँ पे टच हो रही है ये बुक टेबल को, तो वहाँ पे आप ऑन वाली प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो बुक इज ऑन द टेबल, प्लेस जो होता है वो कॉन्टेक्ट में है। अगर मैं बोलूँ द कैट जंप्ड अप
अपॉन द रैट, तो वो मोशन में आ रहा है, तो मोशन में जहाँ पे बात होती है वहाँ पर अपॉन यूज़ करते हैं, राइट. तो ऑन और अपॉन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, अपॉन में मोशन के ऊपर बात की जाती है. द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट. क्वेश्चन 15 पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सारी स्टेटमेंट आपके पास होंगी जो करेक्ट होंगी, बट एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें इनकरेक्ट होगी, तो वो आपको फाइंड आउट करना है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, काइंडली रिटर्न द बुक दैट आई गेव यू, एंड कैन यू टर्न ऑफ द लाइट्स इन द रूम. तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो सारी डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितनी भी डायरेक्शन होती है उसके साथ द यूज़ करते हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी द सन राइजेज इन द ईस्ट. इसके बाद जो ऑप्शन बी और सी हैं वो बिल्कुल सही हैं. यहाँ पे द यूज़ किया हुआ है, द बुक किया हुआ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बुक को रेफर कर रहा है. और इसी तरह से कैन यू टर्न ऑफ द लाइट्स, द को यहाँ पे लाइट्स के पहले द है, तो वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्टिकुलर लाइट्स को, स्पेसिफिक लाइट को वो डिनोट कर रहा है जो रूम में है, राइट. क्वेश्चन 16 पर चलते हैं. द फैन इज डैश माई बैड, राइट. तो इसमें कौन सी प्रपोजिशन है जो करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन नंबर बी ओवर, एंड ऑप्शन नंबर सी अबव. तो ऑन तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट है हमारा, फैन से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है हम लोगों से फैन, हमारे बेड से फैन जो है बहुत दूर है, तो ऑन नहीं आएगा, ओवर आएगा. ओवर क्या होता है? जहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, राइट. द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम ओवर यूज़ करेंगे. तो बेसिकली कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे हमेशा आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है. क्वेश्चन 17 पर चलते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. सारे ऑप्शन जो है उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है. आई हैव अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आई हैव द स्लाइस ऑफ ब्रेड, एंड आई हैव अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. तो तीनों में देखेंगे आप, आर्टिकल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, किसी भी टाइप पे क्वेश्चन आपको आ सकता है. ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग पेपर सेट नहीं करते, हम लोग सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं. हमारा काम आपको कंसेप्ट क्लियर करना आने का है. बेसिकली आपको एंड में जाकर एग्जाम में अपना आप ही देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, जहां पर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात आ जाती है, ये स्लाइस ऑफ ब्रेड की बात आ जाती है, तो वहां पे हम ए यूज करेंगे. इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वहां पे भी ए यूज होगा. He gave me a piece of work to do, तो वहाँ पे भी a use होगा, right? इस तरह से मैं आपको extra concept, extra facts भी cover करवाती चल रही हूँ. तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएं ऐसी और वीडियोस के लिए. क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं. फिल द करेक्ट आर्टिकल, इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है. इट वॉज सच डैश इम्पॉसिबल टास्क टू डू, एन आएगा, ए आएगा, द आएगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इम्पॉसिबल है, आई की वॉवल की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे वॉवल की साउंड से पहले एन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे एन आएगा. अब मैं आपको बताती हूँ मोस्टली जो बच्चे हैं वो मिस्टेक कहाँ करते हैं, जहाँ पर भी वॉवल आता है उससे पहले एन लगा देते हैं. बट आपको ऐसा नहीं करना है, वॉवल से पहले एन नहीं लगता, साउंड से पहले एन लगता है. वॉवल साउंड आपको देखनी है, जहाँ पर साउंड आ रही है वहाँ पर आप एन लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एन एम पी, एम की अगर मैं बात करूँ तो एम वॉवल नहीं है, बट उसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो अ की प्रोनाउंसिएशन आती है, एन की आती है, एम की आती है. तो इसलिए यहां पे एमपी से पहले एम आएगा, एमएलए से पहले एन आएगा, एफओ से पहले भी एन आएगा, और ऑनर, एच इसमें साइलेंट होता है और इसलिए से बोलते हैं ऑनर, तो इसलिए यहां पे भी एन लगाएंगे. तो कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहे हो तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा इसका फायदा हो जाए. क्वेश्चन 19 पर चलते हैं. इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन स्टूडेंट, राइट. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो बिटवीन जो है यहां पे वो बिल्कुल रॉन्ग है. बिटवीन और अमंग, ये दो प्रपोजिशन ऐसी हैं जिसमें मोस्टली स्टूडेंट को जो है डाउट होता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि बिटवीन हमेशा दो के बीच में बोला जाता है. दो अगर बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, दो पेन है, दो पेंसिल है, दो गर्ल्स हैं, हमेशा जब भी दो के बीच में कंपैरिजन होगा तब बिटवीन यूज़ किया जाएगा, राइट. अगर दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे अमंग यूज़ करेंगे. तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये हो जाएगी, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स. तो होप कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में. क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि मेरा बस यही मोटिव होता है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करें. क्वेश्चन 20 पर चलते हैं. आई विश
आई डैश अ बर्ड, मैं विश करती हूँ कि काश, काश वाले सेंटेंस जो होते हैं, जो इमेजिनरी वर्ल्ड में चलते हैं कि मैं ये होता या मैं एक्टर होती या मैं एक्ट्रेस होती, इस टाइप के जो बेसिकली जो सेंटेंसेस होते हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या फिल करेंगे, बिकम, वॉज या वर। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ इमेजिनरी सेंटेंसेस आते हैं वहाँ पर हम लोग वर यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर बताया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विश I were a bird, I wish I were a politician, I wish I were a doctor। तो जितने भी imaginary sentences होते हैं जिसमें wishes होती हैं, जो काम आप कर नहीं पाए या जो आपके dreams में आती हैं, तो वहाँ पे जितने भी wishes होती हैं वहाँ पर आप लोग were use करते हैं। तो option number C जो है इसका were, वो बिल्कुल correct हो जाएगा। सो होप यहाँ से जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं। कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है, किसी क्वेश्चन में क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी आप लोग बताइए ताकि मैं आगे इसी टाइप की और वीडियोज़ बनाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, वो ये दिखा रहा है कि वो सो रहा है, तो ये भी इमेजिनरी सेंटेंस है, ये भी इसमें भी हम लोग वर यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वर्तिका गोयल अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग प्रपोजिशन